ये हमारा हर हफ्ते का मुलाकात का सिलसिला जो जारी है ए टू तीसरा हफ्ता तीसरा अक्षर सी ह जैसे एक बहुत अच्छा सिंगर ने कहा था सी सी करती मैं फिर <laughs> इस बार सी की कौन सी फिल्म रिकमेंडेशन है चलिए पहले जो मैं फिल्म आपको बताना चाहती हूँ वो है चालबाज इसमें कुछ नया नहीं है हमने ये पहले देखा हुआ है राम और श्याम जिसमें दिलीप साहब थे फिर हेमा मालिनी का सीता और गीता तो चार सेम थीम सेम टॉपिक ऐसे ट्विन होते हैं बट श्रीदेवी यार क्या एक्ट्रेस श्रीदेवी तो कितनी महा टैलेंटेड है दिस इज श्रीदेवी इन टू टू क्योंकि ट्विन है डबल रोल है कभी अगर आप चाहो कि बस माइंडलेसली कुछ आप देखना चाहो और श्रीदेवी के अमेजिंग टैलेंट से फिर से एक बार माइंड ब्लोन होना चाहते हो तो चालबाज तो पर आप देख सकते हो उस फिल्म को दूसरी है है जो बहुत ही चालबाजी चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट सी ओ डी ए कोडा और ये एक फ्रेंच फिल्म की अंग्रेजी रीमेक है एप्पल टीवी पर अवेलेबल है शॉन इस फिल्म में एमिली प्लेज रूबी और वो उस पूरे परिवार की एक लौती इंसान है जो सुन सकती है उसके माँ बाप और उसका भाई नहीं सुन सकते टॉय कूर इन फैक्ट वन एन ऑस्कर एंड ही गिव हिज एक्सेप्टेंस स्पीच इन साइन लैंग्वेज एंड इट वेंट ऑन टू विन बेस्ट पिक्चर एट दी ऑस्कर जरूर देखें कि कैसे ये फैमिली अपनी लाइफ नाविगेट करती है बहुत प्यारी फिल्म है एक और अंग्रेजी पिक्चर है कास्ट अवे टॉम हैंक्स इसमें है रॉबर्ट जमेकिस ने बनाई है ये फिल्म मैंने बचपन में देखी थी मैं आठ साल की थी टीवी पर मैंने तब देखी थी आई थिंक और वो मेरे साथ जिंदगी भर रह गई है वो फिल्म ये फिल्म ये हमें सिखाती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और डूबते को तिनके का सहारा होप इज समटाइम्स लिटरली है जीने की कोई उम्मीद नहीं है वापस लोग उनको ढूंढ पाएंगे या नहीं

सलमान खान एंड ही प्राइम अब मैं आपको वक्त में थोड़ा पीछे लेकर चाहूंगी इतना पीछे कि यह अगली फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है बट बहुत फन चलती का नाम गाड़ी क्यों देखनी चाहिए इस फिल्म को सतिन बोस की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में तीन भाइयों की कहानी देखने को मिलती है ये तीन भाई रियल लाइफ में भी ब्रदर्स है कौन है ये तीन भाई किशोर कुमार अनूप कुमार और मेरे फेवरेट अशोक कुमार मधुबाला भी है इस फिल्म में और क्या सही गाने उस वक्त के देखना तो बनता है फन लाइट हार्टेड हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म बट द ब्रदर्स आर डिलइट टू वॉच अवेलेबल ऑन एमेजोन प्राइम पुरानी फिल्मों की ही बात करते हुए अगली फिल्म है चश्मे बदूर साई पर बनाई है अगेन ब्रिलियंट डिरेक्टर एंडक्टर वाई भी अलग होती है ठीक है तो इसमें कौन कौन है फारूक शेख और दीप्ति नावल उस वक्त के आप सोच लीजिए एक तरह से शाहरुख और काजोल मतलब सब उनको बहुत पसंद करते थे उनकी जोड़ी को एंड शी प्लेज मिस चमको इन दिस फिल्म क्यों देखनी चाहिए आपको क्योंकि इतनी क्यूट सी लव स्टोरी है इसमें राकेश बेदी और रवि भी है Amazon Prime पर अवेलेबल है तो उस वक्त के वक्तेंट रोमांस के लिए देखना बनता है मैं इस वीडियो को अन करना चाहूंगी एक कॉमेडी फिल्म के साथ प्रिया दर्शन चुप चुप के वॉच दिस फिल्म ओनली फॉर राजपाल यादव इफ नॉट एनीथिंग एल्स वन ऑफ दोज फिल्म जो आपके पूरे दिन की थकान चुटकियों में मिटा दे आपको सोचना नहीं पड़े दूसरी बार की क्या देखे समझ नहीं आ रहा बस चुप चुप के लगा दीजिए बहुत फन फिल्म है बहुत मजेदार है ये था मेरा सी से लेकर सारे रेकमेंडेशन अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से बी होगा हमारा अक्षर कोई ना कोई फिल्म तो जरूर मैंने मिस की होगी पता है मुझे कमेंट करके बताइए और तीन हफ्ते से मैं आपको फिल्मों के बारे में बता रही हूँ क्या आपने देखी है आपको कैसी लगी मेरी रेकमेंडेशन वो भी बताते चले सब्सक्राइब करते चले बस इतना सही होमवर्क है आपका थैंक यू